पार्ट वन में हम देख चुके हैं उन कपल्स की किसको याद कर जिमिंग भी मिमी को किस कर देता है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट टू से पहले पार्ट वन भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट टू में हम देखते हैं जिमी कहता है, तुमने मुझे थपड़ा क्यों मारा? मिमी कहती है, तुम मुझे ऐसे कैसे किस कर सकते हो? वो कहता है, मैंने तो देखा था जब एक लड़का लड़की एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो वो ऐसे किस करते हैं। वो कहती है, ओके ओके स्टॉप, लगता है इसने भी उसी कपल को देख लिया होगा। और फिर कहती है, सिर्फ कपल से एक दूसरे को किस कर सकते हैं, हम नहीं। वो कहता है, तो तुम मुझे फ्रेंड नहीं मानती? मिमी कहती है, वो बात नहीं है, मानती हूँ। वो कहता है, तो मैं बॉय और तुम गर्ल, हुए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? मिमी कहती है, नहीं नहीं, सिर्फ लवर्स ही किस कर सकते हैं, फ्रेंड्स नहीं। वो पूछता है, ये लवर क्या होता है? वो कहती है, लवर्स जो एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को देखकर उनकी हार्ट बीट फास्ट हो जाए, वही किस कर सकते हैं। वो फिर कुछ पूछने वाला था तो वो उसे चुप करा देती है। फिर वो उसे रेमन बनाना सिखाती है, उसने एग फोड़ने के लिए उसके सिर पे मारा था, तो वो कहता है, क्या ये भी खाने में इतने ही हार्ड है? वो कहती है, तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, और खुद खाने लगती है। जिमी के मुंह में पानी आ रहा था तो वो भी खा के देखता है कि ये तो बहुत टेस्टी है, और पूरा कटोरा ही उठा लेता है। तो वो कहती है, सारा क्यों ले रहे हो, मुझे भी खाना है। फिर जब मिमी उसे लेक के पास चलने को बोलती है, पर उसे उसकी चिंता हो रही थी क्योंकि उसे फीवर था, तो वो कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हर्ब से मेरा फीवर ठीक हो गया, देखो। और उसका हाथ अपने फेस पे लगाती है, पर वो उसे देखने लगा था तो वो उसका हाथ हटा देती है। इधर हंटर वुल्फ लैंड के पास पहुँचने वाले थे। जिमी उसे बता रहा था कि वुल्फ डैड उसके किंग हैं, तो वो कहती है, वो किंग है तो तुम वुल्फ प्रिंस हुए? तो जिमी खुश हो कहता है, ये मैं वुल्फ प्रिंस हूँ। पर वहाँ हंटर्स की बातें सुन जो वुल्फ को मारकर बेचने के बारे में बोल रहे थे, तो जिमी मिमी को छुपने को बोलकर उनकी गन छीन कर भाग लेता है और उनसे फाइट करने लगता है। पर मिमी को जिमी की चिंता हो रही थी। इधर एक हंटर जिमी पे बेहोशी वाला तीर चला देता है जिससे वो चल भी नहीं पाता और बेहोश हो गया था, तो वो हंटर उसे गड्ढे में फेंक कर चले जाते हैं। हंटर्स के जाते ही मिमी जिमी को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती है। वो उसे बचाने के बारे में सोच रही थी, पर जिमी कहता है, पहले तुम जाकर वुल्फ डैड को बता दो कि वुल्फ क्लैन खतरे में है। और फिर उसके जाते ही वो फिर बेहोश हो जाता है। मिमी वुल्फ डैड के पास आ जाती है, पर तभी हंटर वुल्फ क्लैन को मारने उनकी केव में घुस जाते हैं, पर वहाँ तो कोई भी वुल्फ नहीं था, और वुल्फ उन दोनों को घेर लेता है। जिमी को वही बचपन के फ्लैशबैक्स आ रहे थे कि उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया और वो उठ भी नहीं पा रहा था। तभी मिमी उसे बचाने जाती है, तो वो सोचता है, मिमी ने मुझे नहीं छोड़ा, थैंक यू मेरे लिए वापस आने के लिए। मिमी को उसकी चिंता हो रही थी, पर वो तो बिल्कुल ठीक था और बहुत खुश होता है। फिर वो उसे लेक के पास ले जाने लगता है, वो इतना चलने से काफी थक गई थी, पर फायरफ्लाइज को देख खुश होती है। जिमी को अपनी मॉम की याद आने लगती है, तो वो उसे कंफर्ट करती है और मूड ठीक करने के लिए उसे चॉकलेट खाने को देती है। जब वो उसका चॉकलेट से सना फेस साफ करने लगी थी तो वो दोनों नर्वस होते हैं। फिर जब वो उसे अपना फेवरेट सॉन्ग सुना रही थी, पर अचानक से डर जाती है और वो गिरने वाली थी, पर वो उसे पकड़कर बचा लेता है। उसके क्लोज होने से जिमी की हार्ट बीट बढ़ रही थी और कहता है, डरो मत, वो तो बस स्लीप था। जिमी वुल्फ डांस करता है तो वो भी उसके साथ वुल्फ डांस करती है। फिर जिमी उसे वुल्फ मॉम के टूथ का नेकलेस दे रहा था जो वो हमेशा पहने रखता है। वो मना कर रही थी, पर उसके बार बार कहने पे वो ले लेती है और फिर खुद भी अपनी वॉच जिमी को दे देती है। उसे टाइम देखना नहीं आता तो वो उसे टाइम देखना सिखाते सिखाते ही सो जाती है। मॉर्निंग में ब्यूटीफुल लेक को देख वो बहुत खुश होती है, उसे खुश देख जिमी खुश होता है। इधर आंटी मिमी के मॉम से मिमी के कोल्ड के बारे में पूछ रही थी, पर मॉम तो हैरान थी। इनफैक्ट जब मिमी वुल्फ माउंटेन की तरफ जा रही थी तो उसने आंटी को देख कोल्ड होने का बहाना बना दिया था। ये सब सुन कीकी समझ जाती है कि मिमी वुल्फ माउंटेन गई है, तो वो सब डर जाते हैं। ऊपर से मिमी का फोन भी नहीं लग रहा था, तो मॉम को मिमी की चिंता होती है। आंटी कहती हैं, चिंता मत कर, मैं गांव वालों को उसे ढूंढने को भेजती हूँ। इधर जिमी फ्लावर्स का क्राउन बनाकर मिमी को पहना देता है, तो वो खुश होकर उसका थैंक यू करती है। जिमी सोचता है, मिमी तुम मेरी लवर बन जाओ, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर उसे वुल्फ मॉम की ग्रेव दिखाता है,
मिमी वहाँ से जाने वाली थी क्योंकि उसकी फैमिली को उससे चिंता हो रही थी, पर जिमिंग को सैड देख वो कहती है, चिंता मत करो मैं तुमसे मिलने भी आ जाया करूँगी। पर जिमिंग अभी भी सैड था। मिमी चलते चलते गिर गई थी तो उसकी चोट देख जिमिंग उसके लिए मेडिसिन लेने भागता है। वहीं पर मिमी का सीनियर और गांव वाले उसे ढूंढने आ गए थे। तभी वो मिमी के पास वुल्फ डैड को देख डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वुल्फ मिमी को हर्ट कर रहा है, तो वो वुल्फ डैड को मारने ही वाले थे। पर तभी जिमिंग वुल्फ डैड को बचाने आ जाता है और वो उन्हें काटने ही वाला था, पर मिमी कहती है रुको वो मेरे गांव वाले हैं, तो वो उन्हें छोड़ देता है। मिमी गांव वालों को अटैक करने से रोक रही थी लेकिन वो सब उसे मारे जा रहे थे, पर वो उन्हें कुछ नहीं कहता। सीनियर उसे पंच कर देता है तो वो उसे हटा देता है और मिमी को गोद में उठा लेता है, पर सीनियर उसके डंडा मार देता है तो मिमी फाइट रोकने को कहती है। वो उस पर फिर से अटैक करने वाले थे तो वो आगे जाती है। जिमिंग मिमी को तो बचा लेता है पर खुद डंडा लगने से गिर जाता है। मिमी रोते हुए कहती है जिमिंग मेरा फ्रेंड है, वुल्फ डैड भी मेरे फ्रेंड है, तो फाइट मत करो। पर सीनियर कहता है जो भी हो यहाँ खतरा है तो घर चलो, आंटी को तुम्हारी चिंता हो रही है। मिमी जिमिंग से सॉरी बोल रही थी, वो उसे मेडिसिन देता है जो वो उसके लिए तोड़कर लाया था। पर सीनियर मिमी को वहाँ से ले जाता है और जिमिंग भी रो रहा था। घर आकर मिमी मॉम से माफी मांगती है तो मॉम उसे माफ कर देती हैं। वुल्फ डैड उसे चॉकलेट देते हैं तो वो मिमी की बात याद आते ही मुंह ठीक करने के लिए खुद भी खा लेता है और वुल्फ डैड को भी दे देता है। और फिर मिमी के बैग में देख कहता है अरे इसमें तो मिमी के बालों जैसी खुशबू आ रही है, क्या है ये, और डैड के भी लगा देता है और खुद के भी चपेट लेता है। पर उसे मिमी की याद आ रही थी और मिमी को भी जिमिंग की याद आ रही थी। मॉर्निंग में जिमिंग और डैड दोनों के ही झाग बन गए थे तो उसे याद आ जाता है कि ये तो शैम्पू है। इधर मिमी मॉम से पूछती है अगर मेरे काइंड फ्रेंड के चोट लग गई हो तो मुझे उससे मिलने जाना चाहिए या नहीं। मॉम कहती है ऑफ कोर्स जाना चाहिए, मैंने तुम्हें सिखाया है ना फ्रेंड्स की हमेशा हेल्प करनी चाहिए, तो वो उनको थैंक यू बोलकर भाग जाती है। पर मॉम को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि वो किस फ्रेंड से मिलने जा रही है। जिमिंग को सैड देख वुल्फ डैड उसे मिमी से मिलकर आने को कहते हैं तो वो कहता है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा वुल्फ डैड। पर वुल्फ डैड के बार बार कहने पे वो दोनों मिमी को ढूंढने गांव जाने लगते हैं। मिमी भी उसे मिलने आ रही थी और वो दोनों पास में ही थे, पर भीड़ की वजह से दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और एक दूसरे को देख बहुत खुश होते हैं। मिमी को उसकी चोट की चिंता हो रही थी पर वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शोर की वजह से उन्हें एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देती तो मिमी उसका हाथ पकड़ बाहर ले आती है और फिर उसकी चोट पर बैंडेड लगाती है। वो उसे फ्लावर्स देकर कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तो वो उसे चॉकलेट दे देती है और वो बहुत खुश होता है। फिर मिमी उसे अपने घर चलने को कहती है तो जिमिंग और डैड बहुत खुश होते हैं। इधर मिमी की मॉम अल्मीरा से कुछ उठा रही थी पर अल्मीरा उन पे गिरने वाली थी, तभी जिमिंग आकर मॉम को पकड़कर बचा लेता है। मॉम और कीकी तो एकदम हैरान थी। मिमी उन सबसे कहती है जिमिंग मेरा फ्रेंड है, मुझे वुल्फ माउंटेन पे मिला है। पर वुल्फ डैड को देख कीकी और मॉम डर जाते हैं, उनके वो दोनों नौकर भी डर गए थे, तो जिमिंग कहता है डरो मत वुल्फ डैड कुछ नहीं कहेंगे, तो वो दोनों कहते हैं वुल्फ डैड ये तेरा डैड है। तभी वहाँ मिमी के डैड आ जाते हैं। कीकी और मॉम उन्हें इशारे से वुल्फ डैड के बारे में बता रही थी तो वो भी वुल्फ डैड को देख डर जाते हैं। मिमी उन सबको जिमिंग के बारे में सब कुछ बता देती है तो मॉम कहती है थैंक यू तुमने हमारी मिमी को बचाया, बचपन में अपनी फैमिली से बिछड़कर तुम बहुत टफ टाइम से गुजरे हो। पर कीकी को जिमिंग और वुल्फ कुछ खास पसंद नहीं आते इसलिए वो उन्हें घर में ना रखने को कहती है, पर डैड जिमिंग और वुल्फ डैड के रहने के लिए हाँ कर देते हैं। जिमिंग खुश होता है कि वो और वुल्फ डैड अब हमेशा मिमी के साथ रहेंगे। मॉम और कीकी मिमी को रूम में ले जाकर पूछती हैं क्या तुम सच में जंगल में उस लड़की के साथ थी रात में भी। वो कहती है हाँ थी पर हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। कीकी कहती है मुझे तुम पे तो भरोसा है पर उस जंगली लड़के का क्या भरोसा। तो मिमी को वही किसका सीन याद आता है तो मिमी के एक्सप्रेशंस देख कीकी कहती है सच सच बता तुम दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। वो कहती है कुछ नहीं हुआ, जिमिंग तो बहुत इनोसेंट है, उसका दिल तो एकदम बच्चे जैसा है। और इसी के साथ पार्ट 2 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।